रिसेंटली मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है SD2 रोल के, जैसे गूगल, उबर, अमेज़न, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन सम एंड रिजेक्टेड इन सम. सब रिजेक्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि क्या नहीं करना होता और क्या करना होता है. SD2 के राउंड SD1 से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. सो इन दिस वीडियो आई शेयर कि कैसे वो डिफरेंट है, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए एक बार तुम सिलेक्ट हो जाओ. तो बिफोर ऑल दिस आई स्टार्ट विद हु आई एम. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 एट माइक्रोसॉफ्ट और मैं एक साल से बस SD2 के इंटरव्यूज दे रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि कैसे देने हैं, एंड वही आज मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. हाउ आर SD2 राउंड्स डिफरेंट फ्रॉम SD1? SD1 में हमें पता है कि राउंड्स सारे मोस्टली DS के राउंड होते हैं. उसके बाद वो तुमसे थोड़े बहुत कॉलेज के सब्जेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे OS हो गया, DBMS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और एक दो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पूछ लेते हैं जिसमें वो हार्डली इंटरेस्टेड होते हैं. बट SD2 राउंड्स में डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है. मतलब DS तो तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला. उसके अलावा तुम्हें LLD और HLD भी पढ़ना पड़ेगा, जो आई थिंक थोड़ा सा DS से मुश्किल होता है और HLD काफ़ी थियोरेटिकल होता है, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग भी होता है. एंड वंस यू हैव दीज 3 राउंड्स, उसके बाद एक मैनेजरियल और HR राउंड होता है, एंड देन यू आर सिलेक्टेड. यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी टू कंपनी डिफरेंट भी करता है. मोस्टली कंपनीज यही 4 राउंड्स लेती हैं, बट जैसे गूगल हो गई, गूगल के सारे राउंड्स DS होते हैं. तो अगर तुम एक फाड़ू कोडर हो, मतलब कंपेटिटिव कोडिंग बहुत करते हो, या तुमने लीड कोड पे 1000-2000 क्वेश्चन कर रखा है, तो गूगल तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि वो तुमसे और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे. दूसरा रूब्रिक हो गया. रूब्रिक का अलग ही चल रहा है, मतलब वो मल्टी थ्रेडिंग पूछते हैं. पहले 2 राउंड प्रॉपर मल्टी थ्रेडिंग पे होते हैं और उसके लिए तुम्हें अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जो कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे करनी है. एंड थर्ड इज़ मशीन कोडिंग राउंड. मशीन कोडिंग राउंड ज़्यादातर आजकल स्टार्टअप पूछते हैं और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. ये LLD का एडवांस वर्जन है, जिसमें तुम्हें सिर्फ क्लास डायग्राम्स वगैरह नहीं बना के दिखाने होते, बल्कि पूरी ऐप भी कोड करनी होती है 2 घंटे के अंदर. वो भी चलनी चाहिए, अगर वो चलती है तभी तुम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होते हो. बट हाँ, अगर तुमने DS, LLD, HLD अच्छे से की हुई है, तो तुम 90% ऑफ कंपनीज में अप्लाई कर पाओगे और आराम से उसको क्लियर भी कर लोगे. बस कुछ कंपनीज है जो कि जिनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनकी वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब मेन चीज़ पर आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है. पहला राउंड DS राउंड होता है, तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. तो मैं कॉलेज में बहुत अच्छा कोडर था, मतलब मेरी 1600 कोड कोर्सेज पे रेटिंग थी और मैं काफ़ी DS करता था और काफ़ी फ्लेक्स करता था, पता नहीं क्यों. मैं तो अभी जब मैं करने लगा, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं बस रिवाइज करूँगा, और सबने लिखा हुआ था कि कुछ ब्लाइंड 75 क्वेश्चन है वो कर लो, तो बढ़िया तुम कोई भी राउंड क्लियर कर लोगे. तो मैंने क्या किया, वो 75 करे और मेरे को लगा यार मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ. तो मैंने इंटरव्यू देने सारे स्टार्ट कर दिए. जैसे ही मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट करे, तो मैं रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ. आई रियलाइज्ड कि ब्रो, मैं जो सा इंटरव्यू देता हूँ DS में ही रिजेक्ट हो जाता हूँ, आगे वाले राउंड में ही नहीं जाता. और उसका रीज़न ये था कि वो मेरे से लीड कोड हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते थे और मैं 1600 कोडर था, एंड आई थिंक 1600 के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चन ऐसे आसानी से, ठीक है. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार हार्ड क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होने वाला. फिर मेरा कॉन्फिडेंस बैक टू नॉर्मल हुआ, मतलब जितना शुरू से होना चाहिए था. देन आई फाउंड वन शीट ऑन गूगल जिसमें 450 क्वेश्चन दे रखे थे, एंड आई सॉ कि ब्रो, मतलब ये जो सारे दे सके, आई थिंक 350, नॉट 450. तो आई फाउंड कि यार ये 350 क्वेश्चन वही हैं जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए हैं, मतलब इसमें वो क्वेश्चन प्रेजेंट है. तो मेरे को लगा कि यार मैं 350 क्वेश्चन कर लेता हूँ. एंड देन व्हाट आई डिड कि मैंने वो सारे 350 सॉल्व करने स्टार्ट करे. तो यहाँ पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली सॉल्व करे. मैंने क्या किया, जो मेरे से 1 से 10 मिनट में उनको मैंने ग्रीन मार्क कर दिया कि मतलब वो बहुत ईजी है और मैं किसी भी दिन कर लूँगा. जो 10 से 20 मिनट में, मतलब यार मेरे को कुछ या तो उसमें इंप्लीमेंटेशन मुश्किल थी या मेरे को उसको सोचने में टाइम लगा, तो मैंने उनको येलो मार्क कर दिया. और कुछ ऐसे थे जो कि मेरे से हुए ही नहीं, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने रेड मार्क कर दिया. तो मैंने जो मीडियम वाले थे उनको मैंने दोबारा सॉल्व किया, और जो हार्ड वाले थे मैंने उनको 2 बारी और सॉल्व किया. लेकिन मैं तुम बता रहा हूँ, उसके बाद 350 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने जितने भी राउंड दिए, मतलब 90% ऑफ दम मैंने क्लियर करे हैं. कुछ राउंड्स अभी भी ऐसे होते हैं जिसमें मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बहुत मुश्किल होता है. एंड आई डोंट नो, मेरे को मतलब इस राउंड का इतना लॉजिक समझ नहीं आता, मतलब जो इसका तरीका है. मतलब आई थिंक कि 10 में तुम 10 क्वेश्चन दे दो, अगर मैं 6 सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी एबिलिटी अच्छी है टू सॉल्व, राइट. ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो आई एम गुड, एंड इफ़ आई हैवंट सॉल्व इट तो आई एम नॉट गुड. बट वॉट एवर, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता. जो है इट इज़ वॉट इट इज़, एंड आई डोंट थिंक मतलब DS से कभी पीछा छूटेगा इसमें. मतलब हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा. मैं तुमसे ये शीट शेयर कर दूंगा, एंड आई थिंक तुम्हें भी यही करनी चाहिए. वो बातें मत सुनो कि 75 क्वेश्चन करोगे और मतलब हो जाएगा क्लियर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी, वो सब झूठ है. मतलब या फिर वो बहुत ही ज़्यादा IQ लोगों का जो 75 क्वेश्चन सॉल्व करके ही सब कुछ क्लियर कर लेते हैं.
नेक्स्ट राउंड पर आते हैं जो कि है हमारा L&D राउंड। ये राउंड भी काफ़ी न्यू होता है, इसमें तुम्हें डिज़ाइन पैटर्न आने चाहिए, तुम्हें ऊप्स आनी चाहिए, तुम्हें सॉलिड प्रिंसिपल आने चाहिए। आई नो तुम्हें ऊप्स आती होगी, बट डिज़ाइन पैटर्न और सॉलिड प्रिंसिपल्स आने चाहिए, जो कि मे बी तुम्हें आते हो अगर तुम्हारे ऑफिस में यूज़ होते हो, बट आई डोंट थिंक मतलब कोई बहुत ध्यान देता है ऑफिस में। ऑल्दो वो यूज़ हो रहे होते हैं बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए मेरे को स्क्रैच से प्रिपेयर करना पड़ा। तो पहले मैंने क्या किया, एज़ यूजुअल मतलब मैं यूट्यूब पे गया, मैंने बहुत सारी डिज़ाइन पैटर्न और उनकी वीडियोज़ देखी सॉलिड प्रिंसिपल्स की, बट आई रियलाइज कि ब्रो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मतलब मेरे को आया समझ, बट मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इसको लगाऊं कैसे। मेरे को समझ नहीं आता था किसको इंटरफेस बनाना है, किसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, इसका डिज़ाइन कैसे करना है। तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि एक बुक आती है हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न, मतलब ये बुक बहुत तोड़ा है, मतलब तुम इसे पढ़ोगे, आई नो तुम बोलोगे कि तुम बुक्स नहीं पढ़ते, तुम तो यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ऑथर तुम्हें ऐसी इसने बुक बनाई है कि इसने उसमें ये भी बताया कि पढ़ाना कैसे, कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है और कैसे इंटरेस्टिंग वे में सीखा जा सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल से सब कुछ पढ़ाया। और तुम्हें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ो, मेन मेन डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ो और तुम मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम्हें फिर ये सब समझ आ जाएगा। बट इसके बाद भी एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मतलब मैं ये सब सीख गया था, मैं कोड भी कर लेता था, बट फिर भी मेरे को शुरू में इनिशियल डिज़ाइन जो होता है ना, जो पूरा सेटअप करना होता है, क्या क्या क्लास डायग्राम बनाने हैं, कैसे कैसे बनाना है, इसको करने के लिए मेरे को टाइम लगता था। और फिर मैंने इसके लिए जावा में एक सर हैं श्रेयांश करके, जिनका चैनल है कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग, मैंने इनकी सारी वीडियोस फॉलो करी, मतलब 30 क्वेश्चन हैं और यही 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी कंपनीज में। मैंने इनकी सारी वीडियोस फॉलो करी, देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये सब कोड करना पड़ेगा, और किसी भी लैंग्वेज में कोड करो, जावा, C++, C#, जो तुम्हारे ऑफिस में यूज़ होती है, जिस पे तुम्हारा हाथ बैठा हुआ है, तो जिस पे भी करोगे हो जाएगा। और फिर मैंने सब कुछ कोड किया एंड देन फाइनली मतलब विदिन 2-3 वीक्स आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट L&D, और L&D राउंड मेरे को पर्सनली बहुत मुश्किल नहीं लगे। नेक्स्ट चलते हैं H&D राउंड में। आई थिंक ये ज़्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए हमारे लेवल पे, बट मेरे थिंक करने से क्या होता है, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ऐसे पूछा जाता है कि तुम आर्किटेक्ट हो। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो HLD जो होता है वो काफ़ी कम यूज़ करते हैं, एज इन सारे आर्किटेक्ट्स पूरी ऐप्स डिज़ाइन करते हैं, तो HLD इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग द होल ऐप, के कितने सर्वर होने चाहिए, कौन सा डेटाबेस होना चाहिए। तो हमारी कंपनीज़ में ऑलरेडी बहुत सारा मतलब ये सब डिज़ाइन हुआ होता है, या फिर अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आर्किटेक्ट ये सारे डिसीजंस लेते हैं और तुम बस उसे रिव्यू करते हो, पढ़ते हो और बनाते हो, तो तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बट इंटरव्यू में ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुम ही आर्किटेक्ट हो। तो जो भी है तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब इसको पढ़ना कैसे है, मैंने बहुत सारे सीनियर से पूछा और सबसे मेरे को एक ही चीज़ पता चली कि ग्रॉकिंग का एक कोर्स कर लो HLD वाला, ठीक है, और तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं क्या ग्रॉकिंग की साइट पर मैंने देखा यार ये तो 14,000 का कोर्स है और मैं 14,000 रुपीज़ शूज़ पे कर सकता हूँ, लेकिन बट एक पढ़ाई के कोर्स में नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैंने क्या किया कि मैं गूगल पे गया, कोई स्कैम वेबसाइट पर मेरे को एक PDF मिली जो कि ऑल्टरनेट थी उस कोर्स के। तो ये सारा कोर्स जो होता है ये रिटर्न कोर्स होता है, तो ऐसा नहीं होता कि इस कोर्स में सारी वीडियोस हैं और तुम्हें PDF मिलेगी, तो बेसिकली जो कोर्स में है उसी की सेम PDF तुम्हें मिल जाती है, तो तुम्हें 14,000 नहीं देने पड़ेंगे, बट किसी को मत बताना कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो तुम्हें करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स इज नोइंग द बेसिक्स। तो मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार अगर मैंने कुछ बेसिक वीडियोस पहले देखी होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सूडो कोड करके यूट्यूब पर चैनल है, उसमें एक टीचर है वो बहुत ही सही पढ़ाती है, उसने 30 वीडियो कुछ बना रखी हैं, सारे बेसिक्स ऑफ HLD और 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं। वंस यू नो दिस वीडियो तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा SQL क्या है, NoSQL क्या है, जो तुम्हें मतलब कभी कॉलेज में पढ़ा होगा वो सारा ब्रशअप हो जाएगा। और उसके बाद तुम सीधा ग्रॉकिंग के कोर्स को फॉलो करके मेन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जब तुम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आई थिंक इस लेवल के लिए देर भी मोर देन इनफ और तुम ये राउंड भी क्लियर कर पाओगे। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो बता दिया कि कैसे इंटरव्यू देने हैं, बट ये नहीं बताया कि अप्लाई कैसे करना है। तो यार अगर तुम मतलब तुम्हारी प्लेसमेंट कॉलेज से हुई थी तो तुम ऑब्वियसली ऑफ कैंपस प्रोसेस से बहुत न्यू हो, तो मतलब ये पोर्टल्स होते हैं LinkedIn, Instagram, इन सब पे तुम जाके अप्लाई करते हो, बट दैट इज़ द वर्स्ट वे। सो द बेस्ट वे टू डू इज़ कि यार तुम, मैं जो करता हूँ बेसिकली, सपोज मेरे को Uber में जॉब चाहिए तो मैं Uber LinkedIn पे जाता हूँ, Uber रिक्रूटर लिखता हूँ, ठीक है, जितने भी रिक्रूटर हैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, सबको मैसेज कर देता हूँ कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, मेरे को बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत एक्टिवली स्विच देख रहा हूँ, ठीक है, तो और मेरी बहुत ही अच्छी तैयारी है, मैं सब झूठ लिख देता हूँ। और फिर 10 में से मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक का रिप्लाई आता है, जैसे ही वो एक जने का रिप्लाई आता है मैं उसे कॉन्टैक्ट में आता हूँ और मोस्टली मेरे को वो मिल जाता है। बट ऐसा भी होता है कभी कभी कि 10 में से 0 का रिप्लाई आता है। तो जब 0 का रिप्लाई आता है, सेकेंड बेस्ट वे इज़ टू
आस्क योर फ्रेंड जो उस कंपनी में है कि वो तुम्हारा रेफरल लगाए, और अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं भी है तो लिंक्डइन पे रैंडम बंदों को उस कंपनी के मैसेज करो और बोलो कि तुम्हारा रेफरल लगाए। कोई तुम्हारा रेफरल लगवा देगा, बट रेफरल से भी चांसेस बहुत कम होते हैं, इवन दो वो बोलते हैं कि तुम्हारा प्रायोरिटी में चला जाता है। एंड थर्ड वे, अगर तुम्हारा कोई तुम्हें रेफरल भी नहीं दे रहा है तो तुम फाइनली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस तुम सीधा उस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर दो। अगर तुम्हारे रिज्यूमे अच्छा होगा, बाय अच्छा आई मीन कि तुमने डिटेल्ड अपना तुम जॉब में क्या क्या करते हो, तुमने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करे होंगे, कि तुम्हें मैसेज क्यूज जिस भी स्पेसिफिक रोल के लिए वो तुम्हें सब आता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आता है, वो तुम सबको पता है कैसे करना है। ऑनलाइन टेस्ट कभी भी खुद अकेले नहीं करना होता, ऑनलाइन टेस्ट दो बंदे बिठा के चिटिंग करके ही करना है, तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 60 मिनट में 4 क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि करो, अगर तुम बहुत अच्छे को डर हो तो कर लो, नहीं तो मैं तो भाई दो बंदे बिठाता हूँ और उनके साथ दे देता हूँ। और मोस्टली ऑनलाइन इज लाइक द ईजी थिंग, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन कि 3 राउंड से पहले एक ऑनलाइन राउंड भी होता है, क्योंकि मैं उसको राउंड कंसिडर ही नहीं करता। ठीक है, लास्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, दैट इज सैलरी कंपनसेशन। मतलब तुमने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, और जो सैलरी कंपनसेशन में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो सब राउंड से पहले भी है, बिकॉज तुम्हें एचआर कॉल करता है और तुम्हें पूछता है कि यार तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए है, ठीक है तुम्हारी कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, व्हाट दे डू इज़ कि सब लोग, कुछ लोगों को लगता है कि यार अभी तो मैं 10-12 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उनको 10-12 लाख बोलूँगा तो ये पता नहीं मेरे को, मतलब जो ये ऑफर देते हैं देंगे भी या नहीं देंगे, या मेरे को कम दे देंगे, तो उसके लिए वो झूठ बोल देते हैं, वो अपनी 10 लाख की सैलरी को 20 लाख बोल देते हैं। ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने एचआर से कंफर्म किया है कि वो पीछे से बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसमें वो तुम्हारी पे स्लिप्स निकालते हैं, और अगर वो मैच नहीं करी तो वो तुम्हारा रिजेक्ट कर देते हैं ऑफर। तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना है जो कि असली तुम्हारी सैलरी है तुम वो बताओ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ना बताऊँ, मैं बहुत घुमाता हूँ बातें, बट वो पीछे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं बताओ बताओ। तो मैं तुम्हें उन्हें एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि यार हाँ इतने के बीच में है। ठीक है, वंस दे नो कि हाँ यार इतनी सैलरी है और तुम्हें एक्सपेक्टेशन कितनी है, अब जो एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ है वो भी तुम्हें बहुत केयरफुली बोलनी होती है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि यार मेरे को तो 100% चाहिए, दिस इज नॉट वॉट दे एक्सपेक्ट। ठीक है, उनका एक होता है एक लेवल की वो इतने से इतने तक दे सकते हैं, दैट यू हैव टू रिसर्च एंड आस्क फॉर दैट। ओके, जितना उनका हाइएस्ट लेवल होता है उससे थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा मांगना चाहिए, ताकि मतलब वो तुम्हें वो हाइएस्ट लेवल दे पाए। ठीक है, वंस यू क्लियर ऑल द राउंड्स तो तुम्हारा फाइनल डिस्कशन होता है कि तुम्हें कितनी चाहिए, और वहाँ पर जो मेन चीज़ काम आती है दैट इज़ कि तुमने कितनी कंपनीज की एक साथ पैरेलली क्लियर कर रखे हैं राउंड। तुम फिर एक एचआर को एक दिखाते हो और दूसरे को दूसरा, और बोलते हो कि ये देखो ये मेरे को इतना दे रहा है। ठीक है, और फिर तुम उनके साथ खेलते हो और फाइनली जो मैक्सिमम दे रहा होता है उसे तुम ज्वाइन कर लेते हो। यहाँ पे मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी, मैंने कंपनी में क्लियर कह रहा हूँ और मैं अड़ गया कि भाई मेरे को तो इतना ही चाहिए है। उन्होंने बहुत डिस्कस किया ये वो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है इतना क्यों चाहिए, मैंने कहा नहीं बट मेरे को इतना चाहिए। तो उन्होंने फाइनल कॉल में मेरे को बोला सर सॉरी साहब हम आपका आपको ले ही नहीं सकते। ठीक है, हमने मतलब एक और बच्चा सिलेक्ट कर लिया और हम आपको नहीं ले सकते। उस दिन मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, मैंने क्या गलती करी कि मेरे को वो जितना दे रहे थे उतने पे ऑफर लेटर ले लेना चाहिए था, और उसको लेने के बाद मैं एटलीस्ट दूसरी कंपनीज में तो दिखा सकता था। तो ये गलती मत करना, मतलब किसी का अगर कुछ मैक्सिमम लेवल है, और बेस्ट वे होता है हाउ टू नो देयर लेवल इज इधर ही गो टू लीडकोड डिस्कस और ग्लासडोर, और गो टू देयर एम्प्लॉयज ऑन लिंक्डइन एंड आस्क देम व्हाट दे आर अर्निंग। वैसे नोबडी टेल्स, बट आस्क देम अ रफ एस्टिमेट कि यार वो मेरे को इतना देना चाह रहे हैं कि इज इट फाइन, मतलब कितना होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई डोंट थिंक, मतलब आई थिंक इफ यू हैव क्लियर मल्टीपल कंपनीज यू विल बी एबल टू गेट अ गुड सैलरी। नाउ कम्स कि कितना इस टाइम SG2 का चल रहा है। सो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड व्हाट आई नो इज लाइक कि ऑन एन एवरेज लाइक 40 to 50 इज द रेंज विच यू गेट इन जनरल फ्रॉम गुड कंपनीज। ठीक है, अब कुछ स्टार्टअप्स 50 to 60 भी देते हैं और 60+ भी देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक रेंज है बेयर मिनिमम, लाइक ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी 35-45 तो तुम्हें देगी ही देगी किसी भी दिन व्हेन यू स्विच। ओके, अब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि मतलब खुद मतलब अभी भी मतलब 50-50 कमा रहे हैं, उनको 1 करोड़ चाहिए, मतलब मार्केट बहुत इन्फ्लेटेड है। ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को इन लोगों का माइंडसेट नहीं समझ आता, एंड आई डोंट नो कि मेरा माइंडसेट कौन से मैच करता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता ये सब, बट या पूरी रिसर्च करना और देखना, और इस को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना, मतलब यू डोंट वॉन्ट कि तुमने पूरे राउंड क्लियर कर लिए एंड देन यू गेट रिजेक्टेड।
आई थिंक दिस इज प्रिटी मच इट जो मेरे पास था इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. माई नेक्स्ट वीडियोज विल बी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ईच इंटरव्यू दैट आई हैव गिवन एंड इट विल बी अ डिटेल्ड इवेल्यूएशन ऑफ कि अगर उबर की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है, अगर उबर की करनी है तो कैसे करनी है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मे बी तुमसे वो सेम क्वेश्चन पूछे जाए जो मेरे से पूछा जाता है. और मैंने मतलब लीड कोड डिस्कस को पूरा पूरा से छान मारा है कि यार ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो ये कंपनीज पूछती हैं. तो आई विल मेक दोज वीडियोज एंड ट्राई टू हेल्प यू गाइज कि कैसे मतलब यू नो स्पेसिफिक कंपनी के लिए प्रिपेयर करा जा सकता है. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करो एंड हेल्प मी ग्रो. Thank you.